मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। 13 दिसंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और 23 फरवरी तक चलेगी। कुछ अहम तारीखों को याद रखना जरूरी है। पहले चरण की वोटिंग 6 जनवरी 2022 को होगी। पहले चरण के लिए 13 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। दूसरे चरण की वोटिंग 28 जनवरी 2022 को होगी और इस चरण की वोटिंग के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया 13 दिसंबर से ही शुरू होगी। 20 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। तीसरे चरण की वोटिंग 16 फरवरी 2022 को होगी। इस बार अहम बात यह है कि पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जबकि जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे। यदि आप भी पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन नियम शर्त और प्रक्रिया को समझिए। कौन लड़ सकता है पंचायत चुनाव? ऐसा उम्मीदवार जो भारत का नागरिक हो और ग्राम पंचायत के वार्ड की वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो। लेकिन इसके साथ ही कौन नहीं लड़ सकता चुनाव? ऐसे कर्मचारी जिन्हें वेतन या मानदेय मिलता हो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ ही दिवालिया घोषित हो चुका व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। कुष्ठ रोग से पीड़ित और भ्रष्टाचार के कारण सेवा से हटाए गए व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत की जमीन पर या भवन पर यदि किसी ने अतिक्रमण किया है तो वो शख्स भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं। चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले नामांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नामांकन फॉर्म भरने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, इन दोनों तरीकों से एक कोई तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से नामांकन फॉर्म भरना है तो www.mplocalelection.gov.in इस लिंक पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा मौजूद है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी तय समय सीमा में तहसील में स्थित रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाना जरूरी होगा। ऑफलाइन तरीके से नामांकन भरने की प्रक्रिया में उम्मीदवार को ही अपने हाथों से फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन उम्मीदवार की जगह प्रस्तावक भी फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के सामने जमा कर सकता है। एक उम्मीदवार 2 नामांकन फॉर्म भर सकता है। ऑफलाइन फॉर्म भरते समय काटपीट ना के बराबर हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। साथ ही जाति, उम्र, वोटर आईडी नंबर साफ साफ लिखा हो, ये भी देखना जरूरी है। नामांकन फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। उसमें होती है जमानत राशि की रसीद। चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जमा कराना जरूरी है। पंच के लिए ये 400 रुपए है, सरपंच के लिए 2000 रुपए, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपए और जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000 रुपए। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए आधी राशि ही जमा करना जरूरी है। रिटर्निंग अधिकारी के पास जमानत राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद नामांकन फॉर्म के साथ अटैच करनी पड़ती है। नामांकन फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है, खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। उम्मीदवारों को शपथ पत्र और घोषणा पत्र भरना भी जरूरी है। सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए शपथ पत्र देना जरूरी है, जबकि पंच का चुनाव लड़ने के लिए घोषणा पत्र देना जरूरी होता है। जो शपथ पत्र दिया जाता है उसका ब्यौरा कुछ इस तरह से होता है। उम्मीदवार को खुद और परिवार के सदस्यों की पूरी डिटेल देना जरूरी होता है। इसके अलावा पैन कार्ड, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, बैंक कर्ज या फिर सरकारी बकाया की डिटेल, आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा ब्यौरा देना जरूरी है। यदि किसी ने पंचायत या सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो उसका ब्यौरा देना भी नामांकन फॉर्म के साथ जरूरी है। पढ़े लिखे उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बताना भी जरूरी है। साथ ही में घर में यदि फ्लश वाला शौचालय है तो शपथ पत्र में उसके बारे में भी बताना जरूरी है। अब शपथ पत्र कहाँ से हासिल किया जा सकता है? www.mplocalelection.gov.in ये वो साइट है जहाँ से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से भी इसे हासिल किया जा सकता है। शपथ पत्र और घोषणा पत्र में सभी कॉलम भरना जरूरी है। यदि किसी कॉलम की जानकारी उम्मीदवार से संबंधित नहीं है तो उस कॉलम के आगे निरंक लिखना जरूरी है। शपथ पत्र या घोषणा पत्र यदि नामांकन पत्र के साथ जमा नहीं होता है तो नामांकन निरस्त हो सकता है। शपथ पत्र और घोषणा पत्र में क्या अंतर होता है वो भी समझना जरूरी है। शपथ पत्र यानी कि निर्धारित स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करवाना और इसकी 2 एक्स्ट्रा कॉपियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में इसे जमा करना जरूरी होता है। शपथ पत्र में गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
और घोषणा पत्र को सत्यापित करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा नामांकन फॉर्म जमा करते समय उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है। खासतौर पर पंचायत और बिजली कंपनी से जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलेगा उसे नामांकन फॉर्म के साथ जोड़ना जरूरी है, यानी पंचायत और बिजली बिल का बकाया उम्मीदवारों को जमा करना होगा। नामांकन के साथ ये नो ड्यूज के सर्टिफिकेट संलग्न करना पड़ते हैं। एक उम्मीदवार पंचायत के दो अलग अलग पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है। हालांकि एक बार में एक ही पंचायत क्षेत्र से चुनाव लड़ने की पात्रता है, लेकिन पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए एक साथ कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। नामांकन भरते समय प्रस्तावक की अहम भूमिका हो सकती है, तो जानिए कि कौन बन सकता है उम्मीदवार का प्रस्तावक। पंच के लिए प्रस्तावक उम्मीदवार के वार्ड का होना जरूरी है और सरपंच के लिए उसी पंचायत का व्यक्ति। जनपद सदस्य के लिए उसी खंड के किसी पंचायत का व्यक्ति होना जरूरी है, तो जिला पंचायत सदस्य के लिए जिले के किसी भी पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। नामांकन पत्र भरने के बाद उसकी स्क्रूटनी का काम किया जाता है, तो क्या स्क्रूटनी के दौरान उम्मीदवार की मौजूदगी जरूरी है? दरअसल नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी रिटर्निंग ऑफिसर करता है और स्क्रूटनी के दौरान उम्मीदवार का मौजूद रहना वैसे जरूरी नहीं है, उसकी जगह उसका इलेक्शन एजेंट या प्रस्तावक मौजूद रह सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझने या शिकायत करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। 07552551076 ये वो नंबर है जहां संपर्क कर पूरी जानकारी ली जा सकती है। कंट्रोल रूम पूरे हफ्ते शुरू रहेगा और जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम का गठन किया गया है।